हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वॉल्यूम स्टडी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2/2018 के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आरआरसी ने ग्रुप डी भर्ती 2018 वाले कैंडिडेट के लिए एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें फ्रेंड्स आरआरसी ने ग्रुप डी वाले कैंडिडेट के रीमेडिकल के लिए अपील करने का यहां पर एक लिस्ट जारी कर दिया है और फ्रेंड्स लिस्ट को आरआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। फ्रेंड्स, ये अपडेट आया है आरआरसी मुंबई के सेंट्रल रेलवे वाले कैंडिडेट के लिए। साथ ही फ्रेंड्स, जिन भी कैंडिडेट्स का रीमेडिकल के लिए अपील करना है, उन कैंडिडेट के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का भी लिंक एक्टिव कर दिया है। फ्रेंड्स, न्यू अपडेट है, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू अपडेट आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये रही आरआरसी मुंबई सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट। अब आपको इसमें लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा सीईएन नंबर 2/2018 वाले सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा यहाँ पर नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो ये रहा देखिए सीईएन नंबर 2/2018 वाला सेक्शन, रेलवे रिक्रूटमेंट अंडर आरआरबी सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीईएन 2/2018 फॉर लेवल वन पोस्ट। फ्रेंड्स, फर्स्ट जो अपडेट है यहाँ से देखिए, क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड नोटिस फॉर सेकंड मेडिकल अपील, यानी कैंडिडेट के लिए रीमेडिकल के लिए अपील करने का यहाँ पर एक नोटिस जारी कर दिया है। और नीचे देखिए यहाँ पर क्लिक हियर टू अपलोड सेकंड मेडिकल अपील डॉक्यूमेंट। तो फ्रेंड्स, अपील करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए उनको अपलोड करने का भी यहाँ पर लिंक एक्टिव कर दिया है। अब फ्रेंड्स, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का हमें लिंक मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, ये रही पूरी डिटेल में, यहाँ से देखिए पीडीएफ फाइल सेंट्रल रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर कैंडिडेट डिक्लेयर इन फिट मेडिकल कैटेगरी B2 एंड बिलो फॉर रिक्रूटमेंट लेवल वन पोस्ट अगेंस्ट सीईएन नंबर 2/2018। नोटिस नंबर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 26 फरवरी 2021। अपील अगेंस्ट मेडिकल अनफिटनेस ऑफ कैंडिडेट सीईएन नंबर 2/2018, यानी जो ये यहाँ पर नोटिस जारी किया है कैंडिडेट के लिए, उन्होंने जो कैंडिडेट का यहाँ पर कैटेगरी है B2 और बिलो, ये मेडिकल तो इन्होंने क्लियर कर रखा है, लेकिन B2 एंड बिलो वाली यहाँ पर पोस्ट नहीं है, इसलिए अब कैंडिडेट को रीमेडिकल के लिए अपील करने का यहाँ पर मौका दिया है। और यदि कैंडिडेट A2 से लेकर B1 तक के मेडिकल में यदि फिट हो जाते हैं तो उनके लिए यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यहाँ से देखिए अपील अगेंस्ट मेडिकल अनफिटनेस ऑफ द कैंडिडेट सीईएन नंबर 2/2018। अब देखिए पूरा डिटेल क्या है इसमें, आफ्टर फर्स्ट फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेवल वन एज पर 7 CPC अंडर सीईएन नंबर 2/2018 कंडक्टेड एट रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे फ्रॉम 28/4/2019 कैंडिडेट वर सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन टू MD बाइकुला एंड डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल कल्याण पुणे सोलापुर भुसावल एंड नागपुर। इन मेडिकल एग्जामिनेशन सम कैंडिडेट हैव बीन फाउंड फिट इन मेडिकल कैटेगरी B2 to C2 बट अनफिट A2 to B1, यानी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो B2 से लेकर C2 तक की कैटेगरी में तो फिट हो गए हैं लेकिन A2 से लेकर B1 की कैटेगरी में अनफिट हो गए हैं। ऐसे कैंडिडेट को यहां पर फिर से अपील करने का मौका दिया है क्योंकि नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज इन मेडिकल कैटेगरी B2 and C1, यानी जो B2 C1 मेडिकल कैटेगरी है इसके लिए पोस्ट अवेलेबल नहीं है। इसके बाद यहां से देखिए आगे C2 मेडिकल कैटेगरी पोस्ट सम कैंडिडेट कुड नॉट बी प्रोविजनली इंपैनल्ड हुज मेडिकल फिटनेस कैटेगरी B2 C1 and C2, यानी B2 C1 C2 कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए यहां पर पोस्ट नहीं है, इसलिए अब इनको पोस्ट यदि चाहिए तो A2 से लेकर B1 तक का मेडिकल इनको क्लियर करना होगा। इसी से रिलेटेड फ्रेंड्स ये अपडेट जारी किया है। अब यहां से देखिए प्रोसीजर भी लिखा है अपील करने का, तो यहां से देखिए एन अपील शुड बी सबमिटेड एज पर अनेक्सर A mentioned in the reason justification for which the candidate is making an appeal, यानी जो annexure 1 है उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है और उसमें रीजन भी दिखाना होगा जस्टिफिकेशन के लिए। इसके बाद यहाँ से देखिए द कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ए सर्टिफिकेट फॉर ए गवर्नमेंट प्राइवेट डॉक्टर ऑफ द स्पेशलिस्ट इन विच द कैंडिडेट हैज़ बीन फाउंड अनफिट, यानी आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा जो भी गवर्नमेंट प्राइवेट आई स्पेशलिस्ट होना चाहिए उससे। इसके बाद नीचे देखिए इसमें आगे कुछ और भी डिटेल लिखा हुआ है। सर्टिफिकेट बनाने के बाद यहाँ से देखिए सर्टिफिकेट शुड बियर द फोटोग्राफ
एंड मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट ड्यूली अटेस्टेड बाय सच ए गवर्नमेंट प्राइवेट डॉक्टर द इशूइंग अथॉरिटी, यानी जो आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे उस पर आपका फोटोग्राफ होना चाहिए और उस फोटोग्राफ के ऊपर आपका जो यहाँ पर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो उसकी अथॉरिटी से इसको आपको यहाँ पर अटेस्टेड भी करवाना होगा। इसके बाद यहाँ से देखिए नीचे क्या मेंशन किया है, अपील करने के लिए आपको 1,000 रुपये का यानी ₹1,000 ओनली शुड बी पेड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, यानी 1,000 रुपये का आपको DD बनवाना होगा और किसके फेवर में बनवाना होगा तो FA एंड CAO सेंट्रल रेलवे CSMT मुंबई, यहाँ पर देखिए कोड दिया हुआ है, इसके फेवर में आपको 1,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना होगा। देखिए यहाँ से वेयर PCMD ऑफ द ओपिनियन दैट देयर शुड बी री एग्जामिनेशन ऑफ द केस ऑफ अपील ही मे नॉमिनीज ए मेडिकल बोर्ड टू री एग्जामिनेशन द कैंडिडेट, यानी यदि आपकी यहाँ पर रीमेडिकल की अपील को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो आपका रीमेडिकल का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ से देखिए इन केस द डिसीजन इज अपगार्ड A2 to B1, यदि आप A2 से लेकर B1 के मेडिकल में फिट होते हो फ्रॉम B2 to C2, यानी B2 से लेकर C2 का जो मेडिकल फिटनेस है उससे यदि आप A2 से लेकर B1 तक के मेडिकल में फिट होते हो तो आपने जो 1,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट के पैसे जमा करवाए हैं वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। इसके बाद नीचे देखिए आपको एक स्कैन कॉपी अपील शुड बी अपलोडेड इन PDF फॉर्मेट, जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक दिया हुआ है उस पर आपको एक PDF फॉर्मेट में जो अपील कर रहे हैं उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं यहाँ पर वो अपलोड करने होंगे, उसमें जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है वो भी आपको अपलोड करना होगा और जो सर्टिफिकेट आप प्राइवेट या गवर्नमेंट आई स्पेशलिस्ट से बनवाए हो वो भी आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ से देखिए अपील शुड बी अपलोडेड बाय 18 hours 25 March 2021, यानी 25 मार्च 2021 तक आप शाम 6 बजे तक ये डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड कर सकते हो और अपील के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसके बाद आपका अपील है जो स्वीकार नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर नेम एंड फिटनेस डिक्लेरेशन इन फर्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन इन गिवन इन द एनेक्जर सी, यानी जो आपका एनेक्जर सी नीचे दिया हुआ है उसमें आपके बाकी डिटेल यहाँ पर डालने होंगे। तो यहाँ से देखिए जो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर जो परफॉर्मा दिया हुआ है यहाँ से देखिए सब्जेक्ट में अपील अगेंस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर CEN नंबर 2/2018, इसमें यहाँ पर इसको बनवाना होगा आपको और इसमें सब कुछ डिटेल यहाँ पर भरने होंगे और नीचे देखिए जो भी आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट है वो यहाँ पर बनवाना होगा, DD नंबर वगैरह डेटेड बैंक का नाम वगैरह और यहाँ पर इनके फेवर में ये आपको बनवाना होगा। इसके बाद में सिग्नेचर, ये आपकी डिटेल यहाँ पर भरनी होगी सिग्नेचर, यहाँ पर नेम फादर्स नेम रजिस्ट्रेशन नंबर CBT रोल नंबर, इसके बाद यहाँ पर आपको डेट डालना होगा। इसके बाद में यहाँ से देखिए अनेक्सर बी में आपको यहाँ पर एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल डॉक्टर, यानी गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल डॉक्टर से ये फोटो है जो अटेस्टेड करवाना होगा। नेम आ जाएगा, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सब कुछ डिटेल इसमें यहाँ पर आ जाएंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आ जाएंगे दो यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर जो यहाँ पर डॉक्टर अपना रिपोर्ट लिखेगा वो इसमें आ जाएगा और डॉक्टर को ये भी पता होना चाहिए जो इसको बनाएगा कि ये जो रेलवे ने इनका मेडिकल लिया था और इस कैटेगरी में कैंडिडेट को अनफिट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर उनके यहाँ पर देखिए सिग्नेचर आ जाएंगे कैंडिडेट के, इधर सिग्नेचर ऑफ द सर्टिफाइंग मेडिकल ऑफिसर विद सील, यहाँ पर उनकी सील आ जाएगी, डॉक्टर नेम आ जाएगा, MCI स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन और इधर प्लेस आ जाएगा। इसके बाद ये आपके लिए परफॉर्मा दिया हुआ है और नीचे कैंडिडेट्स का यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। अब देखिए कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर रीमेडिकल होना है, इधर सीरियल नंबर दिए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी और फिट कौन से कैटेगरी में कैंडिडेट हुए हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो कैंडिडेट हैं C1 में फिट हुए हैं, ये B2 में फिट हुए हैं, C1, B2, इस तरीके से कैंडिडेट हैं जो अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर फिट पाए गए हैं और ऐसे टोटल कैंडिडेट हैं 37। तो यहाँ से देखिए 37 कैंडिडेट हैं। अब जो ये कैटेगरी है B2 से लेकर C1 वाली, इसके लिए यहाँ पर कोई भी पोस्ट खाली नहीं है, यदि कैंडिडेट को सेलेक्ट यहाँ पर होना है तो उनको मेडिकल B2 से A2 से लेकर और
B1 तक यहाँ पर क्लियर करना होगा, तभी इनको जॉब मिल सकती है। तो फ्रेंड्स ये अपडेट था आपके लिए, मैंने वीडियो बना दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं आपको एक बार यहाँ बता देता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड किस प्रकार से करने हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर, तो आपके लिए कुछ इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। अब देखिए, इसमें आपको यहाँ पर अपने रोल नंबर डालने होंगे। रोल नंबर के बाद में नीचे आपको PET रोल नंबर डालने होंगे। नीचे देखिए, सबसे पहले तो रोल नंबर PET रोल नंबर सबमिट करना होगा, तब आपका पूरा डिटेल खुल जाएगा और यहीं से आप अपना डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये अपडेट है पूरा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।